सो यो यो गाइस, कैसे हो भाई? सभी का स्वागत एक नई जबरदस्त से व्लॉग में टू साइड गेमर्स के। तो गाइस, मेरे घर पे लिटरली किसको भी नहीं पता है मैं यहाँ पर जो है रात को निकल चुका। मैंने फ्लाइट बुक किया मेरे फ्रेंड्स के साथ, मैं जा रहा हूँ पौंडीचेरी। बहुत ही पीस जगह है, मस्त जगह है। और वहाँ पर गाइस बहुत कुछ हमने जो है ऑलरेडी करके रखा है भाई, चीज़ें जो आपको आगे व्लॉग्स में देखने मिलेगी। ये टोटल 2 दिन का व्लॉग होने वाला है, तो मतलब जो एन्जॉयमेंट है बहुत ज़्यादा होने वाला है। और भाई यहाँ पर गाइस मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ये देखो भाई, मतलब सस्ती फोकस लाइट यहाँ पर मुझे मिल रही है और बहुत क्लियर है। तो अब चलते हैं, ओला आ चुकी है, फ्लाइट में बैठते जाते वहाँ पर, देखते कैसा वेदर है, कैसा क्या है। लेट्स गो, पूरा व्लॉग एंड तक देखो, लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पर भाई हम बिल्डिंग के बाहर जा रहे हैं, पूरा सुनसान है। एंड लिटरली भाई 4 बजे हमने ओला मंगाई है भाई यहाँ पर, और 4 बजे हम जा रहे हैं, 7 बजे की हमारी फ़्लाइट है। और यहाँ पर मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो पहली बार मतलब फ़्लाइट में बैठने वाले हैं, तो देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। गाइस यहाँ पर ये लोग भी आ गए भाई, इनको तो भाई मैंने इन्वाइट भी नहीं किया था, ये लोग सब भी आ गए भाई। इतने हम रात को जा रहे हैं ना, लिटरली ये बैग मेरा पहुंचेगा नहीं, इसको डालना पड़ेगा हमें अंदर। लेट्स गो गाइस, गाड़ी भी आ चुकी है भाई यहाँ पर। गाइस ऑलरेडी यार हम लोग जो बहुत ज़्यादा लेट है, गलत वाला, बहुत गलत। और उसमें भी गाइस मेरा जो बैग है वो चेकिंग में रुक गया था, तो उसमें और टाइम चला गया भाई। हर बार यार ये लेट क्यों होता है यार, मतलब बैग में क्या था ये तो बोल। बैग में भाई कुछ तो था जो भाई अटक गया था, अटक गया। और भाई अब हाथ दिख रहे भाई, ये लो पकड़ो पकड़ो, अरे भाई पकड़ो। गाइस ऐसे हम बैग पकड़ा देते किसको भी। सो यहाँ पर सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ही बैग, मेरे को पकड़ा है, सच में पकड़ा दिया साले ने। ओके तो गाइस चलते अभी फ्लाइट के अंदर, ऑलरेडी बहुत लेट है, लेट्स गो। गाइस फाइनली पहुंच चुके भाई, बहुत ज्यादा भागने के बाद फाइनली आ चुका है, कोई नहीं है लिटरली भाई, बहुत लेट हो गए। और ये फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा लेट हुए हम। तो गाइस फाइनली यहाँ पर फ्लाइट में आ चुके हम, लास्ट में, और ये सब बंद कर रहे हैं, हम लोग ही सिर्फ लास्ट बचे हुए थे। फाइनली आ चुके हैं, अब चलते हैं भाई प्लेस पे, बहुत चिल प्लेस है, आपको दिखाता हूँ भाई वो प्लेस, और ज़रूर विजिट करना। लेट्स गो। ये देखो गाइस, निब्बे का बैग आ गया भाई, निब्बे को लेने मत दो, इतना सब कुछ सही चल रहा था, इतना मस्त प्रैंक चल रहा था, पर भाई क्या यार। गाइस ये देखो भाई, ताला था गाइस, ताला ही तोड़ दिया इसका। क्या था अंदर, क्या था? नए कपड़े थे भाई, गुची वगैरह के, पुची क्या, पुची के, इसको देखो। सो गाइस यहाँ पर भाई कल बारिश हुई थी, और लिटरली भाई पूरा जो है तालाब का पानी भी जो है पूरा ऊपर तक भर गया है, एंड थोड़ा पीछे जहाँ से हमारे पूरा भाई बाहर आ चुका था भाई। चेन्नई में यार हमको पता नहीं था कि इतना ख़राब वेदर हो चुका है, मतलब बहुत बारिश हो रही है। तो अब देखते हैं, अब जा रहे भाई होटल में, हमारे जो विला है रूम में वहाँ जाते हैं, यहाँ से कुछ 2 घंटे 2 और आधा घंटा दूर है, जाते हैं भाई, देखते वहाँ पर कैसा रहेगा, क्या कुछ रहेगा, चलते यार। यहाँ पर जो भाई फाइनली गाइस 2 घंटों की ट्रैवलिंग के बाद जो है यहाँ पर हम विला में आ चुके हैं, और भाई बहुत कूल है, बहुत मस्त है, सिंपल स्वीट और बहुत क्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर जहाँ पर आप बैठ सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, और ये इनका ही विला है, इनका ही विला है, इन्होंने हमें हेल्प की है बहुत ज़्यादा। और बाकी मैं आपको रूम्स दिखा देता हूँ, मस्त रूम्स है, बहुत अच्छा रूम है यहाँ पर। पहला रूम है ये रहा गाइस, पहला रूम, तो ये ऐसा कुछ रूम है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। यहाँ पर बेड है, ये अपना जश भाई का ही चेयर, एकदम मस्त। और यहाँ पर एक बाथरूम है बहुत मस्त वाला। एंड गाइस पौंडीचेरी में ऐसी जगह मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि वरना इधर भाई सिर्फ गांव टाइप ही है, एंड यहाँ के बीचेस बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ है। एंड ऑल्सो गाइस स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग पूल पे भी लेके चलूँगा मैं आपको, टेंशन मत लो। आई होप गाइस आपको जो है भाई ये रूम्स अच्छे लगे हो, क्योंकि यार मुझे बहुत अच्छा लगा ये रूम पूरा। एंड यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा चिल एरिया है, यहाँ पे एक और रूम है गाइज हमारा, तो इस साइड भी एक और रूम है। सो गाइज यहाँ पर भाई हम लोग ऊपर गए, फ्रेश हो गए भाई थोड़ा सा, एंड यहाँ पर भाई ऑलरेडी जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बारिश आनी शुरू हो गई है, पर यहाँ पर जो हमने भाई एक्टिवाज ले लिया हमारी, ओके ओके, ये तो घर की चाबी है, आई मीन रूम की, पर एक्टिवाज भी ले लिए, ये रही गाइज सबकी सब एक्टिवा जो हमने यहाँ पर ली है।
एंड ओके ये रही गाइस, ये रही एक्टिवा की चाबी। अब पहले तो हम जा रहे हैं भाई पेट्रोल भराने, फिर यहाँ पर कोई तो एक बीच है, हमने डाला बीच नियर मी ऐसा डाल के गूगल पे, जा रहे एक बीच पे, देखते कैसा व्यू है, क्या क्लीन है कि नहीं बीच, और ये बारिश बीटी ना दे दे यार बस। सो गाइस यहाँ पर जो है भाई पेट्रोल भी हमने जो भरा दिया है, पर अभी एक दिक्कत हो चुकी है क्योंकि अभी बारिश का सीजन है एंड हमने एक्टिवाज लिए, पर हम रेडी होके भाई एक्टिवा में घूमेंगे सेंस नहीं है, तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं भाई कि ये एक्टिवाज के बदले हमें कार मिल जाए एक्स्ट्रा पैसे देके, तो देखते अभी उससे बात करेंगे क्या हमें मिल पाएगा कि नहीं। बाकी तो गाइस सब सही चल रहा है, बस थोड़ा वेदर का इशू हो रखा है, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है ये, कम से कम 20-25 मिनट दूर, तो यार थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे क्या होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यार मैं बोल रहा था कि बारिश होने की संभावना है, और भाई ये देखो ये हमने लिए एक्टिवास जो कुछ काम की नहीं अब, क्योंकि भाई यहाँ पर बारिश का मौसम हर बार रहता, तो अभी गाड़ी का कुछ सोचना पड़ेगा यार हमको, ये बहुत अलग ही बीटी है यार। नॉनवेज से क्या हो गया भाई। सो गाइस यहाँ पर जो भाई बहुत बारिश आ गई भाई, मेरे को जो भाई चेंज करना पड़ा, यहाँ पर मैंने कपड़े लिए और पहन लिए, एंड अब यहाँ पर फाइनली हमें एक अच्छी चीज़ मिली है, वो है मैकडी, बहुत दूर है भाई हम लोग, एंड यहाँ पर फाइनली पूरा खाना भी आ चुका है, आपको दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार है ये देखिए। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई बर्गर फ्राइज, ये अच्छी भाई ये कौन है गाइस, देख सकते हो पूरा यहाँ पर आ चुका है भाई खाना, अब पूरा खाएंगे एकदम आराम से मस्त मज़े से, किसी को नहीं दे रहा, देखो ये लौंडा ये बीच में आके खा लिया, बाप रे खत्म ही नहीं हो रहा, कितना मंगा दिया। यहाँ पर जो भाई अगला दिन शुरू हो चुका, और भाई जैसे यार मैंने कहा था रात को कि बारिश हो रही है, और लिटरली ये जो बारिश है कल रात से चले जा रही है, तो हमने बोला भाई यहाँ पर अब ट्रिप पे पता नहीं क्या क्या होगा, तो भाई स्विमिंग पूल तो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत मस्त वेदर और ठंडी लग रही है, तो पूल में जाना है, इसमें पूरी फटने वाली है, हम सब रेडी हो चुके दोस्त लोग, और अब जाते हैं वहाँ पर गाइस, थोड़ा पार्टी करते हैं मचाते हैं और देखते हैं यार कैसा क्या रहता है, बाकी ठंडी तो बहुत ठंडी है गाइस। यहाँ पर आप वेदर देख सकते हो, बहुत मस्त वेदर हो रखा है, और यहाँ पर आप मतलब ये जो गाइस विला है इसका यही मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एकदम मतलब मस्त लगना चाहिए, कूल सा मस्त, एंड यहाँ पर पूल भी है, ये भी अपन उड़ाएंगे यहाँ पर एकदम मस्त वाली, मजा आएगा, आ जाओ आ जाओ। ओके डीप नहीं, इधर नहीं है ना वो साइड डीप है भाई, ठंडा अब ठंडा लग रहा है अब यहाँ पर भाई, मेरे को तो अभी शिवर हो रहा हूँ, पूरा डूब जा फिर नहीं लग रहा ठंडा, अब ठंडा लग रहा है यहाँ पर, ओ फक नहीं भाई मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो इधर ही शिवर हो रहा हूँ, इधर आई थिंक मेरे को पूरा अंदर जाना भाई, पड़ेगा भाई साहब, मैं तो नहीं आ रहा, तुम शूट करो, मैं तो जा रहा हूँ रूम में, मैं सीधा अंदर जा रहा हूँ, डू लाइक दिस व्लॉग, और गाइस कुछ एक्साइटिंग करते रहेंगे, 1 2 3 अब मजा आ रहा है, अब चलो गाइस अभी एक एक करके दोस्तों को भाई अंदर फेंकते हैं, पर यहाँ पर फेंकने की जरूरत नहीं है, अपने गौतम भाई है, जाओ भाई वहां पर, ओ भाई गाइस ये अंदर कूदा निब्बा पूरा पानी बाहर आ गया, तो लेट्स गो ये भाई भी आ गए हैं, मन भाई भाई नहीं कुछ सकते, आ जाओ भाई, 3 एक और यहाँ पर जो एक स्पेशल चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर गाइस पूल तो है ही है भाई जहाँ पर मस्ती मजे चल रहे हैं, पर यहाँ पर गाइस कंटेनर्स आपको दिख रहे हो गए, ये कंटेनर्स, तो इस कंटेनर्स के अंदर क्या है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं कंटेनर्स के अंदर, बहुत मस्त चीज है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। सो गाइस ये रहा वो कंटेनर, आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंटेनर गाइस इतना छोटा दिख रहा है, पर अंदर गाइस देखो क्या क्या है, मतलब गाइस रह सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर आ चुके भाई अंदर, मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पूरा गीला हूँ, तो यहाँ पर गाइस पूरा बेड है, वहां पर आप देख सकते हो भाई टीवी है भाई, कितना कूल बनाया है, और व्यू काफी अच्छा है वहां से, देख सकते हो यहाँ पर मतलब 3 लोग तो आराम से रह सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे एसी भी है, पीछे एसी आप देख सकते हो, क्लॉक ओवन सब है भाई, फैन है अगर आपको गर्म लगे, और भाई इतना अच्छा वेदर है,
आई डोंट थिंक सो यहाँ पर गर्मी भी लगने वाली है। तो गाइस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, रेटिंग जो इसे 10 में से आप कितना दोगे, हर एक बंदे को कमेंट करना है, ठीक है, हर एक बंदे को कमेंट करना है। और ऐसी गाइस चीज हम जाते रहेंगे अलग अलग और एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो भाई पूल में चलते हैं, ऐसे 3 और कंटेनर्स है, बहुत सेक्सी और बहुत मजेदार है। और अगर आप लोग बोलो तो गाइस हम यहाँ पर स्टे भी करेंगे एक नाइट, जरूर बताना, लेट्स सी कितना कंफर्टेबल है ये, मुझे तो बहुत दिख रहा है, लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पर जो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ पर बहुत टाइम के बाद जो है यहाँ पर अपनी बोट रेडी हो चुकी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो भाई पूरा, यहाँ पर अभी जाएंगे भाई कोई गली कोपचे में। मैं गाइस पहले आया था 3-4 साल पहले यहाँ पर। सो चलो गाइस अब जो है बोट यहाँ पर रेडी हो रही है, फिर हमें लाइफ जैकेट वो सब भी पहनना है क्योंकि इसको फिर गिराना भी तो है अंदर। चलो अब रेडी तो हो चुके हैं यहाँ पर, आई थिंक कहाँ पर है भाई अपनी बोट, वो रही वहाँ पर है आई थिंक, यस। फिर वो ऐसे वो घूमेगा हेलीकॉप्टर के ये पेपर पे साइन ऐसा करा रहे कि हाँ। भाई इधर कुछ भी हो गया, तुम मर गए कुछ भी, तो तुम्हारी रिस्क पे वो लोग रिस्क नहीं लेंगे। एलिगेटर कोई भी आ गया, काट वाट लिया, सब खुद पे उधर लिखा हुआ है, पढ़ लेना। तो भाई यहाँ पर फॉर्म भी फिल करवा रहे, पता नहीं गाइस क्या ये व्लॉग अपलोड होगा कि नहीं। और यहाँ पर पानी में गाइस बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा है और पूरा ओशन है ये। ट्राई करेंगे हम सांप या फिर कुछ अजीब चीज ढूंढने की, ठीक है चलते अंदर। भाई ये कितना जाड़ है तेरे जितना, मैं ऐसा लग रहा है पानी के अंदर जाने वाले हूँ 100%। मैं और मन तो जाने वाले, देखते हैं हम स्विमर है, जा सकते हैं, इसका जरूरत नहीं है। गए तो 2000 रुपए। चलो चलो, हाँ चल, मन चैलेंज दे दिया, मेरे को नहीं जाना है। चलो गाइस देखते हैं चैलेंज करता है कि नहीं, ठीक है। पानी खराब है ना, मैं चले आ गया। अब बराबर नाटक चालू, 3 places। चलो चलते हैं। ओ भाई क्या हिल रहा है भाई ये। यहाँ पर गाइस बोट में आ चुके हैं अब, लेट्स गो। ओके गाइस लेट्स गो। गाइस अब यहाँ पर फाइनली भाई मजा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हवा आ रही है एकदम मस्त। ये देखो ये इतना लुकड़ा सुकड़ा है भाई, ये उड़ ना जाए उस बात की हमें टेंशन हो रही है। यहाँ पर अब बहुत ज्यादा मजा आ रही है यहाँ पर। भाई बोला था इसके लिए आओ, बोला था बढ़िया तो गाइस ये देखो मैजिक, ये कौन है पानी पे। गाइस ये पानी इतना डीप है और ये चल कैसे रही है, एक्वामैन और बॉट भाई क्या सीन है ये आगे। जॉर्ड भाई जॉर्ड, अरे 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 शक्तिमान। तो गाइस यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो क्या मस्त व्यू है, एकदम खतरनाक वाला। ये देखो इनको स्टोरी पहले लेनी है, क्या होगा इनका क्या पता। भाई ये कितनी सी गली में जाने वाले हैं अपन, भाई ये कितनी सी गली में जाने वाले भाई। हाय बोलो गाइस, हाय यो भाई मगरमच्छ। चलो किधर है गाइस, अब थोड़ी फट रही है यहाँ पर हमारी। भाई अभी किधर जाएंगे इधर से, भाई मत करो भाई, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो गाइस अब ये सच में जो है बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, देख सकते हो मतलब क्या क्या मस्त है। ओ बर्ड, हाँ बर्ड तो मस्त है वैसे देखा जाए तो। गाइस व्यू बहुत अच्छा है और इतना अंदर तक देख सकते हो, मतलब कैसे तो रूट ढूंढना होगा भाई जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया होगा। ये देखो अब यहाँ से अंदर जाने की दर तो भाई मस्त है। गाइस मजा आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। पानी भी नहीं गिर गया यहाँ पर, पूरी वाट लग गई। ये कुछ अलग था।
ये निब्बा गिर जाएगा भाई। मजा आ गया भाई लास्ट में यहाँ पर, गाइस बहुत मजा आया। ओ भाई फट गई, पूरी फट गई। अभी इस एरिया में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर जो है स्कूबा डाइविंग की जो है प्रैक्टिस होती है। और भाई मेरी सच में बहुत फटती है भाई पानी के अंदर भी जाने से, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती इसलिए, ठीक है इसलिए। वरना तो गाइस मैं ऐसे ही पानी में चले जाता हूँ। पर अब यहाँ पर अभी ट्रेनिंग होने वाली है, प्रैक्टिस होने वाली है, देखते हैं कैसी होती है ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर जो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई स्कूबा डाइविंग के मतलब प्रोसेस में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ये अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे पे ये आ गया 45। तो ऐसी ये सब चीज़ें गाइस, प्रॉब्लम्स ये सब अगर आपको कुछ है तो। उसके अलावा गाइस यहाँ पर अभी सिग्नेचर्स लगने वाले मेरे, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो आप आपका देख के लो। तो पता नहीं गाइस ये व्लॉग आगे आ पाएगा कि नहीं, पर देखते एक्सपीरियंस। थोड़ी थोड़ी फट रही तो है, स्विमिंग आती नहीं हमको, पर मैंने पूछ लिया इनको, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं आज। और आई होप सो सब सही जाए। चलो अब सिग्नेचर करते हैं। गाइज यहाँ पर जो है, गाइज यहाँ पर एक रूम है और इसमें जो है पूरी जो है मतलब जो हमारे पीछे जो गैस फिल होती है वो पूरा मतलब मशीन्स आप देख सकते हो, ये वही पूरा रूम है आप देख सकते हो। मतलब यहाँ से कुछ प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। मशीन ही अगर आप देखोगे ना तो लिटरली भाई देख सकते हो क्या ज़बरदस्त है। और इससे ही भाई हमारे पीछे जो है पूरा गैस फिल होने वाला है, तो बहुत कूल स्टफ है यार ये। हमको जो है ऐसे सूट पहनाए गए क्योंकि भाई प्रैक्टिस है, आज ट्रेनिंग है। और भाई ये फुल ठंडा होने वाला है, यहाँ पर हमें शॉवर लेनी है सबसे पहले। कैसा था ब्रो पानी? एकदम शैम्पू देते क्या? नहीं गाइस यहाँ पर जो भाई ट्रेनिंग शुरू हो गई है एंड बहुत कुछ है भाई। ये देखो मन भाई यहाँ पर कूद रहे। और गाइस कल ये सुबह सुबह होने वाला है और मैं एक दो घंटों के बाद ही अपलोड कर दूंगा, तो देखते कैसा रहता है, क्या ये अच्छा रहेगा या फिर नहीं। लेट्स गो। इसके तो इधर ही ठंडी लग रही है। All right, perfect. Okay, great. So, put on the regulators. 1, 2, 3, let's go. ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। अभी कल जो है फाइनली हम जो है जाने वाले सुबह 6 बजे, आई थिंक 7 बजे कुछ देखेंगे। और ट्राई करूंगा मैं व्लॉग जल्दी से जल्दी अपलोड करने का। और ऑल्सो गाइज लाइक्स का एम रहेगा 200K, जल्दी से जाओ सभी लोग गाइज। 2 लाख लाइक ईजी यार कर सकते हो, जल्दी से सभी लोग लाइक करो। मन भाई ओ मन भाई मज़ा आए कि नहीं? बहुत चिंदी है, ऐसे कोई बच्चा भी कर लेगा। गाइस कल इसकी हालत देखते हैं, जाते हैं घर पे फिर से। गाइस यहाँ पर जो भाई नेक्स्ट डे हो चुका है, हम लोग जो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर पोर्ट पे आ चुके हैं एंड सभी ने जो है गाइस यहाँ पर लाइफ जैकेट्स पहन ली है। एंड अब फाइनली गाइस वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पर हमें शिप में बैठना है एंड देन हमें वो पहनना है, ठीक है, जो वो सिलेंडर है जो कल हमें सिखाया था। एंड मैं तो गाइस बहुत ज्यादा नर्वस हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे को पानी से वैसे इतना डर लगता है, बहुत ज्यादा। ज्यादा टाइट नहीं है? टाइट तो बहुत है गाइस। ये कॉस्ट्यूम भी एकदम अजीब सा है, वैसे एकदम फिट कॉस्ट्यूम है और बहुत फट रही है। तो यहाँ पर अभी हम लोग एंट्री मार रहे हैं बोट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ एंड किस तरीके से हम कूदेंगे वो भी एक देखने वाली बात होने वाली है। और
गाइस अंदर की क्लियरिटी आई थिंक इतने अच्छे से नहीं आएगी, तो ये सो गाइस ये अपनी बोट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कूल है बहुत। आई होप पानी ज़्यादा ठंडा ना हो। बाप रे बाप, ऊपर रखना चाहिए था। ओके चप्पल रख दिए है। व्हाट्सअप तो गाइस यहाँ पर सबके जैकेट्स इज रेडी। कूल स्टफ। ये रही गाइस पूरी शिप। अब बैठ जाते हैं भाई यहाँ पर। पूरी बोट हिल रही है पूरी, और जंप कर पा रहे भाई लोग, इतना इतना डेंजर है। ओ भाई ओ तो गाइस यहाँ पर कुणाल भाई की तो भाई हालत आप देख सकते हो फुल दूज रहे, पर गाइस मेरा हो चुका है यहाँ पर एंड मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आया। मन है यहाँ पर और हम तीनों गाइस सबसे पहले गए थे और हम तीनों जो नीचे मिले भी और बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। नीचे हमने बहुत सारी नई नई चीजें देखी एंड जो कोड वर्ड्स होते हैं ऑसम फिर ओके वो सब बहुत ओके कुछ भाई था। ये अब ओके का क्या था ओके का ये भाई मैं नीचे ओके भूल ही गया था तो मेरे को ऐसा कर रहा है बोल रहा हाँ ऐसा ऐसा कर रहा हूँ तो बहुत फन था भाई। और यहाँ पर गाइस जो बोट है ये भाई अलग ही अपना जो है मार्च कर रही है जिस लेवल पे हमारी वेव्स आ रही है और वी आर लकी इनफ सुबह इतनी बारिश थी और अभी इतनी तेज धूप आ गई है जिससे बहुत अच्छे से रहा सब। बट यस गाइस क्योंकि ये शिप है वॉमिटिंग एंड ऑल हो रहा है लोगों को तो बस वही है। आई होप गाइज आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो डू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो
मिलते हैं अगले एक और ऐसी ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट। Fight back.